नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्रामीण में बढ़ रहा कोविड का ग्राम, शराब बनाते हुए एक धराया। अमरावती में अब दुकानें सुबह 9 से शाम 5 तक। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। ग्रामीण में बढ़ रहा कोविड का ग्राम। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कोविड संक्रमण का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। प्रशासन की अपील के बावजूद नागरिक लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। कार्रवाई के बावजूद नियमों का उल्लंघन जारी है। मंगलवार को कामठी तहसील में 74 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कलमेश्वर तहसील में 67 मामले सामने आए। कलमेश्वर ब्राह्मणी में 38 मरीज मिले। ग्रामीण क्षेत्र के 28 लोग पॉजिटिव पाए गए। हिंगना तहसील में 583 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें 65 संक्रमित मिले। वाना डोंगरी में 23, नीलडोह 17, हिंगना 10, डिगडोह 7, ईसासनी 3 तथा गणेशपुर, लागल्या, मोहगांव, रायपुर और गिरोरा में एक एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। नरखेड तहसील में 34 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। रामटेक तहसील में 20 मरीज मिले। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 1,297 हो गई है। उमरेड तहसील में 13 संक्रमित मिले। इसमें उमरेड शहर के 4 और ग्रामीण क्षेत्र के 9 लोग शामिल है। उमरेड में 64 और ग्रामीण के 72 एक्टिव केस है। तो वही दूसरी ओर शराब बनाते हुए एक धराया। कोंडाली समीप्त घोटीवाड़ा परिसर में महुआ शराब भट्टी पर छापा मारकर पुलिस ने 81,000 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई मंगलवार की दोपहर 3 बजे की गई। कोंडारी के थानेदार विश्वास पुल्लकवार को नागपुर और वर्धा जिले की सीमा पर घोटीवाड़ा के जंगल में महुआ शराब बनाई जाने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर हवलदार बाबूलाल राठौर, नायक सिपाही रंजीत जाधव, नाफिक जाधव, पन्नालाल बटाऊवाले, माधव गट्टे, राजेश वासनकर मौके पर पहुंचे। सुनियोजित तरीके से छापा मारकर 50 लीटर शराब, 600 लीटर महुआ सड़वा व अन्य सामग्री जब्त की गई। इस मामले में विक्की बाबाराव ढोके गोटीवाड़ा को गिरफ्तार किया गया है। तो वही तीसरी और अमरावती में अब दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। कोरोना से लड़ने के लिए जिले में लागू की गई सख्ती को जिलाधिकारी के आदेश पर कम किया जा रहा है। अब जिले में सभी दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। इस आदेश पर गुरुवार 18 मार्च से अमल किया जाएगा। हालांकि दुकानों में काम करने वालों के लिए कोविड-19 टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। इस संबंध में मनपा अथवा संबंधित एजेंसी को प्रमाण पत्र न सौंपाने पर दुकानें सील करने की चेतावनी भी दी गई है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।